लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल मास रोटेटिंग व्हील विद इज हैंड स्ट्रेच्ड। एक व्हील uh, है ऐसे और इस व्हील पर एक बॉय खड़ा है ओके उसने अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच कर रखा है फैला रखा है चलो उसको हैप्पी बॉय बना देते हैं बना ओके इसकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय इज वन ट्वेंटी जूल ये जैसे घूम रहा है ऐसे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एक सौ बीस जूल है इफ़ नाउ ही फोल्ड्स हिज हैंड देन मोमेंट ऑफ एनर्शा इज रिड्यूज टू एट्टी परसेंट अगर ये अपने हाथों को सिकोड लेता है है ना जैसे अभी इसके हाथ यूं थे अगर अपने एक्सिस के पास में ले आएगा तो सिकोड लिया सिकोड लेने से ऑब्वियसली पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे तो मोमेंट ऑफ एनर्जा कम हो जाएगा बिकॉज मोमेंट ऑफ एनर्शा एम आर स्क्वायर होता है अगर पार्टिकल एक्सिस के पास में आएंगे तो मोमेंट ऑफ एनर्जा डिक्रीज हो जाएगा 80 परसेंट रह जाता है रिड्यूस टू 80 परसेंट दैन द न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ द बॉय देखो इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं देखता हूँ एक बात तो एक ख़ास बात नज़र आती है और वो ये है कि देर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क और जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता है तो हम लोग वी कैन यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल टॉक जीरो है बिकॉज टॉर्क इज इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी होता है टॉक जीरो होता है तो एल कॉन्स्टेंट रहता है ओके okay? तो अब एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्योर रोटेशन के लिए एन एल इक्वल्स टू होता है आई ओमेगा तो मैं चाहूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे या ओमेगा की जगह लिख देता हूँ एल अपॉन आई तो दिस इज़ हाफ आई ओमेगा की जगह एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर मोमेंट ऑफ एनरसा से मोमेंट ऑफ इन कट जाएगा और एल स्क्वायर अपॉन टू आई आ जाएगा अगर आपका फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद है तो बहुत बढ़िया है तो कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है एग्जैक्टली exactly, क्योंकि जनरली कम यूज आता है तो आप तो इसलिए मैंने सॉल्व किया है, है ना तो एनर्जी का फॉर्मला एल स्क्वायर अपॉन टू आई है बिकॉज एल तो कॉन्स्टेंट है बेंगलुर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है टू भी कॉन्स्टेंट है ईज प्रपोशनल टू वन अपॉन आई हो गया इस प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आई हो गया तो नई एनर्जी अपॉन पुरानी एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर नया मोमेंट ऑफ तो एनर्जा एंड पुराना मोमेंट ऑफ़ तो एनर्शा एंड प्रोपोर्शनल है ना फाइनल के सामने इनिशियल आया इनिशियल के सामने फाइनल आया पहले मोमेंट ऑफ तो एनर्जा आई था और जैसा कि क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि अब एट्टी रह जाता है रिड्यूजेस टू एट्टी है ना तो एट्टी रह जाता तो जीरो पॉइंट आई रख दिया या से कट गया ये वाला पॉइंट अट गया तो ऊपर टेन और नीचे एट आ गया ये फाइव बाई हो गया नई एनर्जी अपन पुरानी एनर्जी इज इजिकल्स टू तो फाइव बाई फोर नई एनर्जी इज इजिकल्स टू तो फाइव बाई फोर इन पुरानी एनर्जी पुरानी एनर्जी मेरे को क्वेश्चन में 120 जूल दे रखी दिस इज 120 जूल तो मैंने यहाँ पर 120 लिख दिया तो ये कैंसिल हो गया ये 30 हो गया 150 जूल ओके वन फिफ्टी जूल आ, मेरी फाइनल एनर्जी आई तो एनर्जी में कितनी कितना चेंज हुआ तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अब मेरी 150 हो चुकी है पहले 120 थी 30 जूल बढ़ गई ना एनर्जी 30 जूल एनर्जी बढ़ गई सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन मैग्नेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस बाय 30 जूल ओके तो आई थिंक सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़े कैसे हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया और कैसे इसको सॉल्व भी किया इसी प्रकार की प्यारी प्यारी फिजिक्स करने के लिए जुड़े रहिए आप एपी की दुनिया पे आपको सक्सेस तो जरूर मिलेगी